नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसीमा और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगुआ अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी, और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में
ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और
लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को
अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त स्थाई संगीत सूर्या बीएनएस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा केरल राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्रीवाल सी और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 संगीत सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में।
ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटनी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रम संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसी और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्रीदेवी प्रसाद को चुना गया है।
जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटनी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और
लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किया गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को
अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 संगीत सूर्या बीएनएस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा केरल राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्रीवालसी और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किया गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 संगीत सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसीमा और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में।
ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है, स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 संगीत सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसी मावर। लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किया गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्रीदेवी प्रसाद को चुना गया है।
जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटनी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता की 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजन ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त स्थाई संगीत सूर्य बीनस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और
लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किया गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी, और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्रीदेवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवाने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवाने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटनी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी शीघ्र सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है, और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को
अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवील राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 संगीत सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा केरल राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसीमा और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवील राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी शीघ्र सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। तो
ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी शीघ्र सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्रीदेवी प्रसाद को चुना गया है।
जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बीएनएस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और
लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किया गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी शीघ्र सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्टर 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को
अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवील राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बीएनएस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा केरल राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसीमा और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवील राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बीएनएस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसीमा और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में।
ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्णा रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त स्थाई संगीत सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसी और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्रीदेवी प्रसाद को चुना गया है।
जुलाई 2022 के एक साल सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी शीघ्र सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 संगीत सूर्या बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और
लगभग 300 350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी, और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्रीदेवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटनी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है, और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को
अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त स्थाई संगीत सूर्या बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा केरल राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसी और लगभग 350-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसी और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में।
ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमश संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी, और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में
ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगुआ, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है, तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगुआ आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटरंजन जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है, बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है, अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त स्थाई संगीत सूर्या बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगुआ सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसीमा और
लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटनी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है, जो शिव द्वारा निर्देशित है, कई ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को
अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी करेक्शन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त स्थायी संगीत सूर्या बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्या की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा केरल राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद वेंट्री वालसी और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्या ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी करेक्शन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगवा के बारे में। ते मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी कंगवा, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया शिवा ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का टीजर भी आउट हो चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। कंगवा आगामी भारतीय तमिल भाषा की फंटासी एक्शन फिल्म है जो शिव द्वारा निर्देशित कई ज्ञान वेल राजा द्वारा निर्मित है। स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन वगैरह तले वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलपति फिल्म में सूर्य दोहरी भूमिका में है, जिसमें प्रमुख कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें नटराजन, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंगसल, कोविया सरला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म की परियोजना मूल रूप से अप्रैल 2019 में कार्यकारी सिगरेट सूर्य 39 के तहत की गई थी, जो मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनेता के 39वीं फिल्म थी। प्री प्रोडक्शन जनवरी 2021 में शुरू हुआ है और सूर्य द्वारा सोराराई पोर्ट्रो 2020 की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि शिवा को अन्यथा 2021 का निर्देशन मिलने के बाद इसमें देरी हुई है। बाद में फिल्मांकन स्थगित कर दिया गया है। अंत में परियोजना बंद कर दी गई है। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्य ने खुलासा किया कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने फिल्म का निर्माण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनसे द्वारा निर्मित अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। बाद में यूवी क्रिएशन इसे लेने के लिए सहमत हो गए हैं और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का निर्णय लिया है। फिल्म को उस साल अगस्त 27 सूर्य बिजनेस के साथ दोबारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमुख भूमिका में सूर्य की 42वीं फिल्म बन गई है। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने चेन्नई में शुरू हुई है और जनवरी 2021 में समाप्त हुई है। इसे गोवा, केरल, राजमुंद्री सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। कंगवा सिंगरस की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादन के रूप में देवी श्री प्रसाद, वेंट्री वालसी और लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक के सबसे महंगी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म में से एक है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात करें इस मूवी के बजट की, इस मूवी का बजट 300-350 करोड़ के बीच है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 300-350 के करोड़ के बीच है। तो इस प्रकार इस मूवी की जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। शिवा ने फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में शुरू किया था, जब कब फिल्मांकन कोविड-19 के महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस सितंबर के दौरान चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी के सेट किए गए थे। जनवरी 2021 में वैरायटी के साथ इस एक सकारात्मक में सूर्य ने पुष्टि की कि शिव के साथ उनकी फिल्म भी अभी चल रही थी। उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंद्र या रवि बसुरा के डी इमाम की जगह लेने की सूचना मिली थी और जिन्हें शुरुआत में संगीतकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हालांकि निर्माण की श्री देवी प्रसाद को चुना गया है। जुलाई 2022 के एक साथ सकारात्मक में ज्ञानवेल राजन ने कहा कि सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने के कारण फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूवी क्रिएशन ने इसे परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, अब आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को 2024 में जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी का टीजर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार इस मूवी के टीजर को भी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।